तो आपका स्वागत है एसके टेक्नोलॉजी चैनल में। मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे एफसीआई फूड कॉर्पोरेशन का है, जो एग्जाम था उसका जो है एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप अपने मोबाइल से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और अपना एग्जाम सेंटर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने क्या करना है, आपको अपने गूगल क्रोम में चले जाना है। तो चलिए यहाँ गूगल क्रोम में चले जाना है और यहाँ पर जो है आप उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं या सरकारी रिजल्ट में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। इसके बाद आपको चलिए मैं सरकारी रिजल्ट में चलता हूँ। सरकारी रिजल्ट में जाने पर यहाँ एडमिट कार्ड सेक्शन में आपको सबसे पहला ऑप्शन देख जाएगा एफसीआई वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड, इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पर नीचे चले आना है और नीचे चले आने के बाद दोस्तों चलिए मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड आल जोन पे क्लिक करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो मोबाइल में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है, ये नहीं ओपन होगा। तो क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर जो है आप अपने मोबाइल को डेस्कटॉप मोड पर सेलेक्ट कर लें। तो चलिए दिखा देते हैं मैं आपको। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है सिंपली, और यहाँ पर आपको देखिए यहाँ पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप मोड पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप डेस्कटॉप मोड पर सेलेक्ट करेंगे आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए लॉगिन करना है आपको। लॉगिन करने के लिए क्या करना है, आपको अपना लैंग्वेज चॉइस करना है। यहाँ पर लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश जो है जिस लैंग्वेज में आप एडमिट कार्ड चाहते हो, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इंटर करना है और फिर उसके बाद पासवर्ड। रजिस्ट्रेशन नंबर पासवर्ड आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर भेजा गया था जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था, और कैप्चा इंटर करके आपको लॉगिन कर देना। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए तो कोई बात नहीं, यहाँ से फॉरगेट पासवर्ड करके आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आपको लॉगिन करके दिखा देते हैं दोस्तों। ये दोस्तों यहाँ पर आपको लैंग्वेज चुन करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड इंटर करके कैप्चा इंटर करके यहाँ पर सिंपली आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं इंटर करके लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा पेज ओपन होगा, ये आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो एग्जाम डेट मिल जाएगी, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए परीक्षा की तिथि आपको दिखाई देगी कब है। मेरा एग्जाम डेट जो है 3/6/2019 को है, मतलब 3 जून को है, मंडे को है, 10:45 रिपोर्टिंग टाइम है दोस्तों। इसके अलावा जो है बात करते हैं यहाँ पर आपको, चलिए नोटिस के आपका अलग एग्जाम डेट हो सकता है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, नीचे कुछ निर्देश दिए गए हैं यहाँ पर, तो देख मैं दिखा देता हूँ उनको। यहाँ पर देख सकते हैं बुलावे पत्र पर, मतलब जो एडमिट कार्ड है उस पर जो आपको फोटो लगाना है वही वाला फोटो लगाना है जो अपलोड किए थे, और इसके अलावा जो है सिग्नेचर आपको वही करना है जो आप जो है उस समय फॉर्म भरते समय अप्लाई करते समय सिग्नेचर किए थे। और इसके साथ आपको एक जो है अपना आईडी प्रूफ लेकर जाना है, जिस पर जो है नाम जो है बिल्कुल जैसा एडमिट कार्ड पर लिखा है वैसा ही लिखा होना चाहिए दोस्तों। तो ये बहुत जरूरी इन्फॉर्मेशन थी दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लीजिए, यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड डाउन हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करना है, तो चलिए मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखेंगे राइट साइड में यहाँ पर लिखा है क्लिक टू प्रिंट, तो इस पर सिंपली आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपसे पूछेगा जो है कि यू हैव टेकन प्रिंट 3 times बिफोर, डू यू वॉन्ट प्रिंट अगेन। तो आप 3 ही बार प्रिंट ले सकते हैं, तो यहाँ पर ओके कर लीजिए। तो चलिए दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे आप ओके करेंगे तो देखिए इस प्रकार जो है आपका जो है प्रिंट होने लगेगा फॉर्म। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, देख सकते हैं यहाँ पर प्रिंट हो गया, 2 पेज में मेरा फॉर्म है, पेज 1 पेज 2। अब इसे जो है मैं पीडीएफ में सेव कर लूँगा, अपने मोबाइल में सेव हो जाएगा, और किसी भी दुकान या प्रिंटर में जाकर जो है मैं इसको आराम से प्रिंट करा लूँगा। जो है हमें केवल एक प्रिंट की जरूरत होगी पहले वाले की। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।